नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरी इस चैनल डॉक्टर अणिमा उपाध्याय पर। और आज मैं आप लोगों के सामने अपनी लिखी एक नई कविता जो समाज को आईना दिखा रही है, यहाँ मिट्टी रह गई, सुनाने जा रही हूँ। आप सभी से विनती है कि मेरी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। कविता सिर्फ हास्य या व्यंग नहीं होती, सिर्फ रोमांस भी नहीं होती, ये तो समाज का दर्पण है। और कवि को कविता के माध्यम से थोड़ी सी स्वतंत्रता भी मिल जाती है वहां व्याप्त परेशानियों को जनता तक पहुंचाने की। तो सुनिए, यहां मिट्टी रह गई कि रंगों के संग क्या मैं उलझी, रंगों के संग क्या मैं उलझी, बदरंग सी हो गई। यहां रंग आप सभी समझ सकते हैं कि धर्म जाति ये सब रंगों में बट गई है आजकल। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन अब अगर हमने कोई विशेष रंग पहन लिया है तो वो उसके अर्थ निकलने लगे। तो रंगों के संग क्या मैं उलझी, बदरंग सी हो गई। एक तरफ रंग है और दूसरी तरफ देखिए विरोधाभास, बदरंग हो गई। मोम सी फितरत हमारी, मोम सी फितरत हमारी, हाय संग हो गई, हाय संग हो गई। यहां संग पत्थर के लिए उपयोग किया है कि रंगों के संग क्या मैं उलझी, बदरंग सी हो गई और मोम सी फितरत हमारी, हाय संग हो गई। और आस्था और धर्म की छतरी तले हम खो गए, आस्था और धर्म की छतरी तले हम खो गए। जब हम आस्था और धर्म की बातें करने लगते हैं तो हम अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। तो आस्था और धर्म की छतरी तले हम खो गए और कभी जो चौड़ी गली थी देखो तंग हो गई, कभी जो चौड़ी गली थी देखो तंग हो गई। जब हम इस तरह की बातचीत करने लगते हैं तो हम संकीर्ण हो जाते हैं विचारों से। यहाँ विचारों की गली को कहा गया है, जो कभी चौड़ी हुआ करती थी, जहाँ सबका समावेश था, वो इन सब बातों में उलझकर बिल्कुल संकीर्ण हो गई है, पतली हो गई है। कब हुआ कैसे हुआ ये जब तलक मालूम हुआ, कब हुआ कैसे हुआ ये जब तलक मालूम हुआ, हाथ में चरखी बची थी पतंग कट कर उड़ गई, हाथ में चरखी बची थी पतंग कट कर उड़ गई। चरखी जिस पर पतंग की डोर यानी मंजा लपेटा जाता है, तो जब तक ये मालूम हो पाया तब तक तो पतंग कब की उड़ के जा चुकी थी, सिर्फ चरखी रह गई हाथ। यहां सारी बात का लब्बो लुबाब है यही। लब्बो लुबाब का मतलब होता है सारांश, सार, निचोड़। यहां सारी बात का लब्बो लुबाब है यही, खा रहे बंदर मिठाई बिल्ली भूखी मर गई, खा रहे बंदर मिठाई बिल्ली भूखी मर गई। और बिल्ली कौन है? जनता। बंदर कौन है ये बताने की जरूरत नहीं है, आप स्वयं ही समझदार हैं। तो यहां सारी बात का लब्बो लुबाब है यही, खा रहे बंदर मिठाई बिल्ली भूखी मर गई। और मिजाज कुर्सी भी कहां कर पाए उनकी ठीक से, मिजाज कुर्सी भी कहां कर पाए उनकी ठीक से। मिजाज कुर्सी का मतलब होता है हालचाल पूछना, तो कहां हालचाल पूछ पाए, किसका? जनता का। मिजाज कुर्सी भी कहां कर पाए उनकी ठीक से, उड़ गए प्राण और पखेरू यहां मिट्टी रह गई, उड़ गए प्राण और पखेरू यहां मिट्टी रह गई। जनता तो बेचारी भूखी मर रही थी, भूखी मरती रही, उनकी मिजाज कुर्सी भी नहीं कर पाए, प्राण पखेरू तो पहले ही उड़ गए, बचा क्या? मिट्टी रह गई यहां, मिट्टी रह गई। बहुत कुछ सोचिएगा और इसके साथ ही इस पर एक कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और अपने मित्रों में शेयर करिएगा इस कविता को। इसके साथ ही विदा लेती हूँ। नमस्कार।